ओम शांति। हम सभी संसार में पद्मा पदम भाग्यवान हैं। अपने भाग्य को देखकर तो मुस्कुराओ। सोचें, इस जीवन में हमने इन आंखों से क्या क्या देखा, जो चारों युगों में कभी नहीं देखा जा सकता, वो इन आंखों से देखा। प्रभु पालना में हमारा जीवन पला, उसने बाप रूप से हमारी पालना की, शिक्षक रूप से ज्ञान देकर बहुत पालना की, और सद्गुरु के रूप में गाइड करके, वरदान देकर, शक्तियां देकर हमें पालना में संपन्न किया। सोचने की बात है, ऐसी श्रेष्ठ पालना चारों युगों में किसी को नहीं मिलेगी। कभी राजाई घर में हमारी पालना होगी, तो किसी की पालना साहूकार घर में होगी, और उन लोगों के भाग्य पर विचार करें जिनकी पालना गरीब घरों में होती है। जो मन चाही बातों को नहीं कर सकते, वो पढ़ना चाहें बुद्धिमान हो तो पढ़ नहीं सकते, अच्छा भोजन नहीं खा सकते, उनके पास साधन नहीं होते हैं। हमारी पालना हो रही है परमात्मा के द्वारा, राजाओं से भी बड़ी पालना, जिसमें उसने हमें संपूर्ण सुख भी दे दिया है, शक्तियां भी दे दी हैं, अपना प्यार भी दिया और बहुत श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। सवेरे बाप आकर हमें उठाते हैं, रात को सुलाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, और बाबा ने कहा कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू भी पहुंचते हैं। दुनिया वाले अगर ये सुने तो कहेंगे, ये कौन है, भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और बाबा ने इसका स्वयं उत्तर दिया था उन्हीं के शब्दों में कि तुम उन्हें कह दो, भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है। सोच लें, जिनके लिए भगवान खाली बैठा हो, उन्हें स्वयं क्या कर लेना चाहिए और बाबा का कैसे लाभ उठा लेना चाहिए, उसको यूज कर लेना चाहिए, उसका आह्वान करके अपने बिगड़े हुए काम संवार लेने चाहिए, स्वयं को वरदानों से भर लेना चाहिए, उससे मन चाही शक्तियां प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो हमारे पास ऐसा ही सद्विवेक है, जिससे हम बाबा की श्रेष्ठ पालना का, इस मेहरबानी का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो हमें याद रखना है, बाबा हम पर मेहरबान हुआ है, वो हम पर बहुत खुश हुआ है, हमें उसकी इस मेहरबानी का कैसे फायदा उठाना चाहिए। बाबा ने खुद कह दिया है, बाप बंधा हुआ है, बच्चे बुलाएं तो बाप को आना ही पड़े, और हम सब तो उसके लाडले हैं। किसी माँ को भी कोई प्यारा बच्चा बुलाता हो रात को 12-1 बजे भी, तो माँ जग कर दौड़ी चली जाती है। हम तो भगवान के प्यारे बच्चे हैं, जब हम उसको बुलाएंगे तो वो दौड़ा चला आता है, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि जब वो हमें बुलाता हो, जब वो हमें कुछ आदेश देता हो, तो हम भी दौड़े चले आते हों, उसका हम पर पूर्ण अधिकार हो तो उस पर हमारा भी संपूर्ण अधिकार हो जाएगा। बस ये अंतर हम मिटा दें कि हम तो कहें कि बाबा को जब भी हम बुलाएं वो आ जाए, लेकिन जब बाबा हमें बुलाए तो हम सोचने लगें, हम बहाने करने लगें। ये अंतर हमें मिटा देना है। और आज सारा दिन हम बाप दादा को बुलाएंगे, आह्वान करेंगे और अपने सिर पर उसके हाथ को अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर ये अनुभव की बात है। और बाबा ने जो एक अभ्यास और सिखाया है कि तुम्हें संसार को भिन्न भिन्न रंगों की किरणें देनी होंगी, अर्थात भिन्न भिन्न शक्तियों की किरणें देनी होंगी। तो आज सारा दिन बाप दादा को बुलाने के साथ ये अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, और मेरे मस्तक से शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें निकलकर
सामने फैल रही हैं, सब पर पड़ रही हैं, वातावरण पर भी पड़ रही हैं, सब चार्ज हो रहे हैं। एक एक मिनट में ये दोनों अभ्यास करेंगे और आज के दिन को आनंदित बनाएंगे। ओम शांति।